हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट कवर किए हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं चाहूँगा वो लोग देख लें। और ये वाला जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लेते चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलावा आपके और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्पेशल टॉपिक होते हैं, तो मैं आपको स्पेशल टॉपिक का डेली 3-4 वीडियो आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। कई बार तो कूट दे देता है, और अगर कूट नहीं भी देता है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें राज्यों का पुनर्गठन का डेट याद हो, मतलब कब कौन सा पुनर्गठन हुआ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको नहीं होती है, या वो कभी पढ़ नहीं पाते हैं। राज्यों के बारे में तो बेसिकली सभी को पता है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन या गठन के बारे में, कि किसी राज्य का गठन कब हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गठन हुआ है वो 1936 हुआ है। तो कैसे आपको याद रहेगा, आपको याद है कि आखिरी टाइम जो भारत शासन अधिनियम आया था वो आया था 1935 में, याद है ना, 1935 में भारत शासन अधिनियम, और उसी से तो हमारे संविधान की लगभग 3/4 चीज़ें ली गई हैं, किससे, उसी अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे संविधान का है वो कहाँ से कॉपी किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, और उसी के अगले साल की घटना है यानी 1936 की घटना है। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश किया करेगा। सबसे पहले जो बने था वो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, पहला दिन होता है, ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। और याद रखेगा इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो पटना है, और यहाँ पे सामान्यतः जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। लेकिन 1 मार्च को देखिए स्थापना हुआ, लेकिन ये अपनी स्थापना दिवस को मनाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को, और ये अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद देखिए 18 अप्रैल को, उसी साल 18 अप्रैल को, ये 1 अप्रैल की बात थी, ये 18 अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल को उड़ीसा जो राज्य वो बना। उड़ीसा की जो राजधानी है दोस्तों वो भुवनेश्वर है अभी, और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है उड़िया भाषा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1936 में बन गया ना, 1 अप्रैल 1936 और 18 अप्रैल 1936, ठीक है। इसके बाद 1947 में आते हैं सीधा जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम की बात करते हैं, 1947 में। तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जो है असम का गठन होता है। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है आसामी भाषा, ठीक है। इसके बाद उसी 1947 में ही 26 अक्टूबर के दिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद जो है जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो रहा था भारत में, क्योंकि वहाँ जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने विलय करने से इनकार कर दिया था, तो जनमत संग्रह से भी इनकार कर दिया था। जब पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगा, उस हेल्प करने के बावजूद उन्होंने हस्ताक्षर किया कि इसका विलय आधिकारिक रूप से कहाँ पर होगा, भारत में होगा, ठीक है, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता है। तो ये 26 अक्टूबर की बात 1947 में, उस दिन जो है गठन माना जाता है जम्मू कश्मीर का। इसकी दो राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। तो जो शीतकालीन की राजधानी है वो है जम्मू, ध्यान दीजिएगा, शीतकाल की राजधानी कहाँ पर, जम्मू है, और श्रीनगर जो वो ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के समय की राजधानी क्या है आपका, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है श्रीनगर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इसकी यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है कश्मीरी भाषा, ठीक है, 1947 तक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 1950 का, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। लाइन से ध्यान दीजिएगा, 1936, 1947, फिर 1950, ठीक है। 1950 में जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन की बात है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ में है, और जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन स्थापना दिवस जो अपना उत्तर प्रदेश मनाने जा रहा है ये 24 जनवरी को, और पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है, अभी इसी साल डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी राज्यों का स्थापना दिवस एक्चुअली नहीं है, हमने बिहार का पढ़ा 22 मार्च और उत्तर प्रदेश का है 24 जनवरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 जनवरी क्यों है, 24 जनवरी को दोस्तों इसका नाम यूनाइटेड प्रोविडेंस से बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। जो यूपी होता था ना उसका मतलब था यूनाइटेड प्रोविडेंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत, वो नाम चेंज हुआ था 24 जनवरी को, इसलिए 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और ठीक 26 जनवरी 1950 को ही एक और राज्य का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन नहीं दोस्तों गठन, बार बार पुनर्गठन निकल रहा है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का हुआ था, और वहाँ का जो राजधानी वो चेन्नई है, जो भाषा बोली जाती है तमिल भाषा, ठीक है। 1950 तक की बात हो गया, 1954 में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले पुदुचेरी का बना, ठीक है, वो बना था 1 नवंबर 1954 को, पुदुचेरी को बनाया गया, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा और ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया 1936, 1947 और 1950 के बारे में, ओके,
नेक्स्ट हमारा है 1956 का, ठीक है। देखिए 1956 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल जो है कंपनी अधिनियम आया था 1956 में, जो लोग भी कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें पता होगा कंपनी अधिनियम। और इस समय जो है लक्षद्वीप जो दूसरा केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, वो उसको जो है गठन किया गया 1956 में, और अंडमान निकोबार का भी गठन कब हुआ है 1956 में, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो देखिए 54 वाले में क्या हुआ, 54 में सिर्फ हुआ था पुदुचेरी का सबसे पहले, फिर दो साल बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का हो गया, और इसी दिन राज्यों का भी गठन हुआ है, कई राज्यों का 1 नवंबर को ही, ठीक है। 1 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे राज्यों का हुआ, जैसे देखिए आंध्र प्रदेश का हुआ है, तमिलनाडु का हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था, ठीक है। हम लोग तमिल पिक्चर बहुत देखते हैं ना, साउथ इंडियन मूवी, तो वो तमिल वाली मूवी होती है, तो तमिलनाडु हमारे साथ है, याद रहेगा आपको ना। इसके बाद 1956 में आंध्र प्रदेश का हुआ है, राजधानी हैदराबाद, और वहाँ बोली जाती है तेलुगु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो तमिल भाषा है वो तमिलनाडु में बोली जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु है, ठीक है। कर्नाटक का भी हुआ, तो नीचे के जितने राज्य हैं सब एक साथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और वहाँ बोला जाता है कन्नड़। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वहाँ बोला जाता है मलयालम, ठीक है। तो नीचे का देखिए तीनों हो गया, तमिलनाडु भाई उत्तर प्रदेश के साथ आ गया था, और बाकी बचा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीनों जो है 1956 में हुए हैं, और जो तमिलनाडु था वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, वहाँ बोली जाती है बंगाली, ठीक है, तो ये 1956 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दो बड़े बड़े राज्य हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सामान्यतया हिंदी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ भी सामान्यतः हिंदी, तो ये याद रखिएगा पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए 1960 में दोस्तों, 56 के बाद सीधे कहाँ पे आ गए, 60 में, 1 मई है, 1 मई 1960 की बात कर रहा है, तो इस दिन हुआ था गुजरात की, राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद गलती से मत करिएगा, राजधानी इसकी जो है गांधीनगर है, सामान्यतः गुजराती भाषा बोला जाता है, ठीक है। और 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र का भी हुआ है, राजधानी जो है मुंबई है और भाषा जो है वो मराठी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 1960 याद रहेगा ना। तो गुजरात, एक्चुअली क्या हुआ था ना, महाराष्ट्र गुजरात एक ही साथ थे, गुजरात कोई अलग से राज्य नहीं था, पूरा का पूरा जो है वो बंबई प्रांत कहा जाता था, तो इसको गुजरात को अलग से बनाया गया है, मतलब महाराष्ट्र ऑलरेडी था, महाराष्ट्र से काट करके गुजरात बनाया गया, तो दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, 1960 में, ठीक है। इसके अलावा फिर 1961 में आपको पता चलेगा होगा कि जो है दादरा नगर हवेली खाली हुई, तो 11 अगस्त 1961 को जो है दादरा नगर हवेली हुई, इसकी राजधानी सिलवासा है, ठीक है। और 1963 में, 1963 में 1 जनवरी 1963 को नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, और वहाँ की एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, नागालैंड 1963 में, ठीक है। दिल्ली का जो गठन हुआ दोस्तों वो 1965 में हुआ है, हम लोगों ने सबसे पहले गठन देखा किसका हुआ था, लक्षद्वीप का देखा, अंडमान निकोबार का देखा, पुदुचेरी का सबसे पहले हुआ था 54 में, ठीक है, तो उसको देखा, फिर 56 में हुआ था आपका पांडुचेरी और पुदुचेरी, तो 54 में हुआ था, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसका देख चुका हम लोगों ने, दादरा एवं नगर हवेली का देखा लास्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे 1965 में, जिस समय युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय जो दिल्ली का गठन हुआ था, और 1966 में बहुत सारे राज्य, 56 और 66 दो ऐसे समय रहे हैं जो बहुत सारे, तो देखिए सारी राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है तीनों का, तो तीनों का गठन एक साथ ही हुआ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 1966 वाले हैं, ठीक है, तो पंजाबी याद रखें, पंजाब की भाषा पंजाबी और हरियाणा का नाम चंडीगढ़ है, और यहाँ का भी जो हिंदी है। 1971 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को किया गया है, ठीक है, और यहाँ की सामान्य भाषा हिंदी है, दो राजधानी इसकी है, ये धर्मशाला जो राजधानी आप देख रहे हैं ये इस साल बनाई गई है, इसलिए करंट का क्वेश्चन भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी शिमला है ये आपको याद है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1971 में हुआ था दोस्तों हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, और 1972 में जो है देखिए कई सारे हुए हैं, MMT सिंपल में याद रखिए, MMT याद रहेगा आपको, MMT, यम से मेघालय, यम से मणिपुर, टी से त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग और वहाँ की भाषा है गारो, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और वहाँ की भाषा है मणिपुरी, ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वहाँ की भाषा बंगला, याद रखिएगा त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है, बांग्ला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1975 में भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ है, राजधानी गंगटोक है, भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, ठीक है, इसीलिए जो है 22 भाषाएं जो शामिल की गई उसमें नेपाली को भी शामिल किया गया है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए 1987 में, ठीक है दोस्तों, एक इस वीडियो को कम से कम आप दो बार देखेगा याद हो जाएगा सारी चीज़। 1987 में 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का हुआ है और अरुणाचल प्रदेश का हुआ है, ठीक है। और मिजोरम की जो राजधानी वाइजोल है और जो भाषा है वो मिजो भाषा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जो भाषा है हिंदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये एक साथ था, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ये एक साथ थे, ठीक है, 87 के दौरान। उसके बाद देखिए 1987 में ही बना है गोवा का भी और दमन और दीव का भी, ठीक है। दमन दीव का जो हाईकोर्ट है वो मुंबई हाईकोर्ट में आते हैं, तो इसको लेकर चलेगा थोड़ा सा। दमन राजधानी इसकी है, गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कोंकणी भाषा है, ठीक है। सन 2000 में दोस्तों लास्ट टाइम जो है तीन जो है तो 36 उत्तर झार, याद रखिए 36 उत्तर झार ऐसे करके याद कर लीजिए, 36 उत्तर झार, पहले छत्तीसगढ़ बना है, फिर उत्तराखंड बना है, फिर जो है झारखंड बना है, ठीक है। तो ये है और ये बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, ये 9 नवंबर 2000 को, ये 15 नवंबर 2000 को। जो राजधानी है रायपुर है, हिंदी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और भाषा हिंदी है, झारखंड की राजधानी रांची और भाषा जो है हिंदी। 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है बनाया गया, राजधानी इसकी हैदराबाद है। हालांकि दो दो राजधानियाँ थी बनाई गई हैं, एक अमरावती डेवलप हो रही है, वो बाद में आंध्र प्रदेश को दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा इशू तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ उस ऐड पे क्लिक करिए, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब पे कॉर्नर में आपके 3 पॉइंट्स देखेंगे, वहाँ क्लिक किया करिए और क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो वीडियो क्लियर आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे करंट इश्यूज मैं आपको दूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं और डेली करंट का जो क्वेश्चन आता है वो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वहाँ सर्च करिए स्टडी 91, ध्यान दीजिएगा आपको विदाउट स्पेस सर्च करना है स्टडी 91, ये लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा पहले नंबर पर ही, और उसको आप क्लिक करके वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होते ही आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स वहाँ मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी PDF होंगे वो सारे PDF भी मैं वहीं अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।